दोस्तों कैलकुलेटर में ऐसे बहुत से फंक्शन होते हैं जिनका यूज अधिकांश लोगों को नहीं पता होता। क्या आप जानते हैं कि इनका यूज आप प्रोफेशनल तरीके से करके अपना समय और मेहनत दोनों को बचा सकते हैं। ऐसे ही कैलकुलेटर में एक इम्पोर्टेंट की है जिसको हम M प्लस कहते हैं। तो कैलकुलेटर में मौजूद ये बटन मेमोरी प्लस के नाम से जाना जाता है। इसका मेन काम कैलकुलेशन को मेमोरी में सेव करना होता है, यानी कि मेमोरी में सेव किए गए नंबर से कैलकुलेशन से प्राप्त हुए रिजल्ट को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास 5 रुपए के 2 नोट और 10 रुपए के 5 नोट हैं। को इन सबको एक साथ जोड़ना है। अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर M प्लस दबा देंगे। प्लस दबाने से रिजल्ट सेव हो जाएगा। के बाद 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर M प्लस दबा देंगे। इसी के साथ हमारे दोनों कैलकुलेशन सेव हो जाएंगे। पूरे जमा भाग को जानने के लिए हम MR का बटन दबाते हैं। समझे, कैलकुलेटर में ये M प्लस का बटन क्यों दिया जाता है।